नुकसान होता हुआ अभी तक दिख रहा है। रुझानों में अब तक बड़ा नुकसान एनडीए को होता हुआ दिख रहा है। 2019 के मुकाबले एनडीए को इस बार अभी तक 60 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रुझान दोपहर के 1 बज रहे हैं और ऐसे में 2019 के मुकाबले अभी तक की जो स्थिति है, तस्वीर है, 60 सीटों का नुकसान एनडीए को होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अब भी जो सरकार बनाने के लिए मैजिकल फिगर है उसके आसपास एनडीए ही है, लेकिन 60 सीटों का नुकसान इस बार होता हुआ अभी तक दिख रहा है। रुझानों में एक बड़ा उलटफेर और मजबूती के साथ विपक्ष टक्कर देता हुआ दिख रहा है। नारा बीजेपी का था, एनडीए का था 400 पार का, लेकिन फिलहाल 400 पार वाली तस्वीर तो नहीं दिख रही है। 60 सीटों का नुकसान 2019 के मुकाबले होता हुआ अभी तक दिख रहा है। उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं वहां पर बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो बार बार दावे हो रहे थे 80 में 80 के, लेकिन एनडीए अभी तक 36 पर आगे, 42 पर INDIA गठबंधन आगे है। वहीं BSP 0, पिछली बार 10 सीट पर BSP ने जीत हासिल की थी, तब BSP और SP साथ में लड़े थे, लेकिन इस बार BSP ने अकेले लड़ने का फैसला किया और 0 खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। अदर्स के खाते में 2 सीट उत्तर प्रदेश में जाती हुई दिख रही है। वहीं एनडीए की स्थिति यहां पर खराब दिख रही है 2019 के मुकाबले। जो छोटे छोटे दल हैं, राजभर की बात कर ले तो राजभर के खुद के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं, घोसी में अरविंद राजभर पीछे चल रहे हैं। यानी कि जो छोटे छोटे से जो जातियों वाले पार्टियों को जोड़कर एक समीकरण साधने की कोशिश हुई थी, वहां पर कहीं पर गड़बड़ी दिख रही है। हालांकि जो बीजेपी के तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता जुड़ रहे हैं, उनका कहना है कि अब भी तस्वीर बदलने वाली है और उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा होगा वो होगा एनडीए के पक्ष में। ये बीजेपी के नेता और बीजेपी के हमारे मेहमान वो बार बार दावा कर रहे हैं। 2019 के मुकाबले एनडीए को पूरे भारत में 60 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी अकेले 237 पर आगे है, 292 पर एनडीए आगे है। इंडिया गठबंधन की बात कर ले 230 पर पूरे भारत में आगे इस वक्त, और 6 जीत हो चुकी है, 6 सीटों पर जीत हो चुकी है INDIA गठबंधन की। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जीत गए हैं और इस वक्त हम आपको दिखा देते हैं, चलिए मैजिकल वॉल पर चलते हैं और मैजिकल वॉल पर आपको दिखाते हैं कि क्या है तस्वीर। तो मैजिकल वॉल हम आपको दिखाते हैं, तस्वीर क्या है। सबसे पहले पूरे भारत की बात कर लेते हैं। भारत में इस वक्त ये जो आपके पास दिख रहा है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, मैजिकल वॉल पर दिखा रहे हैं, ये भारत का मैप आप देखिए। आपको सैफ्रॉन भी दिख रहा है, यहाँ पर ब्लू कलर भी दिख रहा है, ग्रीन कलर भी दिख रहा है। और यहाँ पर अब जो पहले की जो तस्वीर थी, ऐसा लग रहा था 2019 में और 2014 में कि पूरा सैफ्रॉन रंग जो है नारंगी रंग से पटा हुआ था, लेकिन इस बार की तस्वीर देखिए, आपको सारे रंग यहां पर नजर आ रहे हैं भारत के इस मैप पर। 293 पर एनडीए आगे, लेकिन नुकसान 57 सीटों का, अभी 60 सीटों का नुकसान होता दिख रहा था, एक सीट की कमी हो गई इसमें, यानी कि एक सीट इधर जुड़ गई और 56, अब देखिए 56 रह गए, 56 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर INDIA गठबंधन की बात कर ले, 228 पर ये आगे चल रहे हैं 2019 के मुकाबले, 99 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है, 99 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अन्य की बात कर ले, 21 पर आगे और 43 सीट की कमी होती दिख रही अन्य के खाते में जो 2019 में गई थी, और अभी यह आंकड़ा बदल रहा है, बार बार बदल रहा है और पूरी तस्वीर हम आपको हर एक तस्वीर दिखाते रहेंगे। बात अब उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार किस तरह से वोट कास्ट किया है वो आप इस तस्वीर से देखिए। उत्तर प्रदेश का यह मैप आपके सामने है और यहां पर भी आपको अगर नारंगी रंग दिख रहा है तो हरा रंग और नीला रंग भी दिख रहा है। यहां पर हरा रंग समाजवादी पार्टी का, नीला कांग्रेस का, नारंगी बीजेपी का। अब आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि पिछली बार आपको पूरा जो एनडीए गठबंधन ही दिख रहा था, हर तरफ नारंगी, लेकिन इस बार आपको तमाम कलर्स नजर आ रहे हैं। तस्वीर यहां पर देखिए, टैली दिखा देते हैं आपको, 80 में 80 का जो रुझान इस वक्त सामने है, एनडीए 37 पर आगे, 27 का नुकसान होता दिख रहा है। इसी बीच बड़ी खबर कन्नौज से, खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, रुझानों के बीच
एसपी कार्यकर्ताओं की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं और अखिलेश को पीएम फेस यहां पर दिखाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, रुझानों के बीच कन्नौज में ये पोस्टर लगे हैं। ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने, अखिलेश यादव को पीएम कैंडिडेट यहां पर दिखाया गया है। समाजवादी पार्टी जो काफी अच्छा प्रदर्शन इस बार करती दिख रही है अभी के तक के रुझानों के मुताबिक। देखिए अग्रिम बधाई दे दी गई प्रधानमंत्री, इंडिया गठबंधन के होने वाले प्रधानमंत्री, अग्रिम बधाई। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान बार बार यही कह रहे थे कि अगर INDIA गठबंधन को आप जिताते हैं तो वहां पर कौन होगा प्रधानमंत्री, इसकी लड़ाई हो जाएगी। फिलहाल INDIA गठबंधन सरकार बनाता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री, अग्रिम प्रधानमंत्री होने की बधाई अखिलेश यादव को जरूर दी जा रही है। पोस्टर्स लगा दिए गए हैं और ये पहले से ही क्लियर था कि अगर थोड़ा भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फायदा मिलता हुआ या फिर यहाँ पर एक अच्छी कंडीशन में इंडिया गठबंधन दिखता है तो ये लड़ाई जरूर होगी कि पीएम फेस कौन होगा, पीएम कैंडिडेट कौन मानकर चल रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर अर्जुन मेघवाल जीत गए हैं। दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी जीते, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल जीत गए हैं और दौसा से मुरारी लाल मीणा जीत गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं रुझानों के बीच। अब ये भी आना शुरू हो गया है मेनका कि अब जो फाइनली जीत गए हैं, क्योंकि जितने भी राउंड की काउंटिंग थी वो पूरी हो रही है और जैसे ही कुछ जगहों पर ये क्लियर हो जा रहा है कि कौन सा प्रत्याशी जीता, वैसे ही न्यूज 18 सबसे पहले आपको ये भी बता रहा है। तो बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जीत गए हैं, जीत दर्ज करा ली है और दौसा से कांग्रेस की मुरारी लाल मीणा ने भी जीत हासिल कर ली है। तो बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे सीट हैं जहां पर तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो गई है, जीत हार का फैसला हो चुका है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रुझानों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कितने सीट क्लियर हो गए वो भी दिखा रहे हैं। 24 पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, 9 पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। पूरे भारत की अगर हम बात कर ले, 239 पर बीजेपी आगे चल रही है, 295 पर NDA आगे चल रहा है, इंडिया 227 पर आगे चल रहा है इस वक्त, और NDA 37 उत्तर प्रदेश में आगे, INDIA 41, यानी कि INDIA अभी तक जो 44 हम दिखा रहे थे अभी 41। दीपक रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, दीपक रंजन जी का रुख कर लेते हैं। दीपक रंजन जी, जो ये आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, और क्या कहेंगे आप, आपका रिएक्शन क्या होगा? पहला देखिए, जो रुझान आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन जो है हर सीटों पे बड़ी मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिख रहा है, और खासतौर से देखिए उत्तर प्रदेश, क्योंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, और हमने उत्तर प्रदेश में NDA के रथ को अगर किसी ने रोकने का काम किया यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन ये थोड़ी जल्दी नहीं हो गई कि वहां पर अखिलेश यादव को अग्रिम बधाई दे दी गई, भविष्य के प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन के, बधाई दे दी गई, थोड़ी जल्दी नहीं हो गई? देखिए ये अपने कार्यकर्ता की भावना है, कार्यकर्ता ने अपनी भावना व्यक्त की, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तो देखिए अगर इंडिया गठबंधन की कहीं से संख्या बल आती है और कहीं सरकार बनती दिखती है तो निश्चित रूप से जो है इसे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, आपस में तय होगा पार्टी की। लेकिन देखिए भले ही समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहतर हो दीपक जी, लेकिन देश में सरकार बनाती तो सपा नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बहुत जल्दी अगर आप ऐसे पोस्टर लगा देते हैं, आप कह रहे हैं कि एक कार्यकर्ता की भावना है, लेकिन इस भावना से ठेस भी पहुंच सकती है और आपका बना बनाया खेल बिगड़ भी सकता है, ऐसा नहीं लगता आपको? अब क्या ये कहीं काउंटिंग को प्रभावित कर देगा? जो काउंटिंग चल रही है उसको कहीं काउंटिंग को नहीं करेगा, लेकिन आपके सहयोगी दलों को तो निराश कर सकता है, उनके बीच तो थोड़ी सी खलल डाल सकता है। काउंटिंग की बात नहीं हो रही है, लेकिन INDIA गठबंधन, इतने सारे पार्टी आप एक साथ आते हैं और वहां अचानक से एक पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री होने की बधाई दे दी जाती है। कांग्रेस अभी भी 90+ है क्योंकि देश की सरकार यहां पर बन रही है ना। देखिए कार्यकर्ता की अपनी भावना, उसने अपनी भावना व्यक्त की। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, इंदौर में बीजेपी के शंकरलाल तो जीत गए हैं, लेकिन नोटा को 1,72,000 वोट, नोटा को शंकर ललवानी जीते हैं, लेकिन नोटा को 1,72,000 वोट इंदौर में, और ऐसा शायद पहली बार होगा कि नोटा को इतने बड़े तादाद में वोट मिला होगा। इंदौर से खबर जहां पर नोटा को 1,72,000 वोट, अभी तक शंकर ललवानी जीत गए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन नोटा को 1,72,000 वोट इंदौर में, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और नोटा तब जाकर
कोई भी अगर हम कहें वोटर, उसके मन में तभी ये भावना आती है जब कोई भी कैंडिडेट उसे पसंद नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति क्यों बनी? इंदौर में बीजेपी के शंकर ललवानी को बहुत मुकाबला नहीं था, विपक्ष से बहुत मुकाबला नहीं था, विपक्ष का कैंडिडेट वहां पर्चा भी खारिज हो गया, लेकिन देखिए लोगों ने विपक्ष को वोट नहीं दिया तो उन्होंने जाकर नोटा को दे दिया। 1,72,000 वोट नोटा को इंदौर में मिला है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ये जो नोटा को 1,72,000 वोट अगर नोटा के लोगों ने, वहां के लोगों ने दबाया नोटा में, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि कितना आक्रोश था वहां पे प्रत्याशी के खिलाफ लोगों का, लेकिन वहां पे सरकार के खिलाफ कितना आक्रोश है। के लिए भी कुछ खास अच्छा नहीं था ना दीपक जी? देखिए वहां पे जब पर्चा ही खारिज हो गया विपक्ष का, अगर विपक्ष वहां पे रहती तो परिणाम कुछ और होता, लेकिन लोगों को आप आक्रोश देखिए कि केंद्र सरकार को लेकर के, वहां के प्रदेश की मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर के, कि लोगों में कोई आक्रोश नहीं था, लोग घरों से निकले, लोगों को मालूम है कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है जो वर्तमान के प्रत्याशी थे वहां पे जो जीत रहे हैं, जो जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ उन्होंने 1,72,000, अब तक के इतिहास में मैं समझता हूँ 1,72,000 नोटा के खाने में कभी किसी ने वोट नहीं डाला होगा, तो आप खुद देखिए कितना आक्रोश है लोगों के अंदर। ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है, और एक और बड़ी खबर इस वक्त रामपुर से एसपी 1,00,000 से ज्यादा वोट से आगे चल रही है, सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही है। अभी लेटेस्ट अपडेट आपको हम बता रहे हैं सुल्तानपुर का, जहां पर मेनका गांधी अभी पीछे चल रही है 13,526 वोट से, मेनका गांधी पीछे चल रही है। अलीगढ़ से बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर पीछे चल रहे हैं, सतीश गौतम पीछे चल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी रामपुर में 1,00,000 वोट से ज्यादा आगे चल रही है। मुरादाबाद से एसपी की रुचि विरा आगे चल रही है, यहाँ पर बार बार कैंडिडेट बदला गया, मेनका गांधी सुल्तानपुर में पीछे चल रही है। अब 13,000 वोटों से वो पीछे चल रही है इस वक्त मेनका गांधी। सतीश गौतम भी पीछे चल रहे हैं, 21,000 वोटों के लगभग आसपास पीछे चल रहे हैं रामपुर से एसपी। 1,00,000 से ज्यादा वोटों से आगे एसपी कैंडिडेट। मुरादाबाद की बात कर ले, एसपी की रुचि विरा आगे चल रही है। मुरादाबाद में बार बार कैंडिडेट बदला गया, एसपी हसन पहले सांसद थे लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, रुचि विरा को टिकट दिया गया जिसकी नाराजगी भी थी, लेकिन रुचि विरा आगे चल रहे हैं। आनंद दुबे इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, उत्तर प्रदेश में तो जो वोटर्स जिस तरह से वोट कास्ट किया उन्होंने, इसे आप किस तरह से रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? देखिए सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जो अभी रुझान दिख रहे हैं जी, वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं, जो हमारी अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप ये परिणाम नहीं है निश्चित रूप से। वजह क्या? कहीं कोई नहीं, निश्चित रूप से कहीं कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से ये परिणाम आए हैं, लेकिन इन परिणामों का संपूर्ण विश्लेषण या एक एक चीजों को देखकर उत्तर प्रदेश में क्यों ये स्थिति रही, इसका हम विवेचन करेंगे और उसके आधार पर आगे। आनंद जी ठीक है, विवेचना तो होती रहेगी, लेकिन क्या लगता है, क्या INDIA गठबंधन को उत्तर प्रदेश में हल्के में लिया बीजेपी ने, या फिर मुद्दों में भटक गए कहीं? नहीं देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि क्या कारण रहे, क्योंकि अगर इस तरह के रुझान आए हैं तो निश्चित कई कारण हो सकते हैं इसके पीछे, कहां कौन सी चूक रही है, इन सारे चीजों का पार्टी स्तर पे हम समीक्षा करते हैं, जब हम जीतते हैं तब भी समीक्षा करते हैं कि और बेहतर क्यों नहीं हो सका, और अगर हम कहीं असफल होते हैं तो भी हम समीक्षा करते हैं। सीट वाइज बात कर लेते हैं अमेठी, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बार बार कह रही थी कि मैं तो यहीं की हूं, राहुल गांधी ने इस परिवार को परिवार नहीं माना, KL शर्मा से वो हारती हुई दिख रही है, वहीं मेरठ में अरुण गोविल टीवी के नाम को आपने चुनाव मैदान में उतार दिया, उन्हें जनता ने नकार दिया, जबकि मेरठ तो बहुत सुरक्षित बीजेपी के लिए मानी जाती रही है अब तक। नहीं देखिए थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन अभी बहुत कम है, और लोकसभा चुनाव में 10,000-5,000 इन सब का मार्जिन जो बहुत कम माना जाता है, तो इसलिए थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए हमें, 2-3 बदलेगी, इंतजार करेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा ये था कि क्या आपको ये भी लगता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन भी एक बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा था कि बीजेपी ने दोबारा से उसी उम्मीदवार को उतारा जिसे लेकर नाराजगी चल रही थी, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जहां से देश की सियासत का रास्ता होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी जगह पर आपकी सीटें ऐसी थी जहां पर कैंडिडेट उस तरह से नहीं सिलेक्ट किया गया जैसे कहा गया, यानी कि उत्तर प्रदेश की नहीं मानी गई बल्कि बाहरी नेताओं की मानी गई। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपका जो विश्लेषण है या आपका जो मूल्यांकन है वो आप अपने आधार पर है, पार्टी इन्हीं सारी चीजों को लेके, ये जो सवाल आप उठा रही हैं ये सारी चीजें
जहन में है, और इन सारी चीजों को लेकर, ये कोई एक कारण नहीं हो सकता है, अन्य कारण भी हो सकते हैं, इन सारी चीजों को लेके हम बैठेंगे और उस पर चिंतन करेंगे कि आखिर जिस जगह हम सोच रहे थे कि हमें 80 की 80 मिलेगी, या हम 70+ जाएंगे, या हम पिछले नतीजे के आसपास, आपके साक्षी महाराज भी पीछे हो गए, अभी तक आगे चल रहे थे लेकिन साक्षी महाराज भी पीछे हो गए, साध्वी निरंजन ज्योति भी पीछे चल रही है इस वक्त, और ये बड़े बड़े चेहरे हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैं बता रहा हूं, आपने अभी दिखाया कि 3000 कुछ वोटों से पीछे हैं, तो ये 3000 4000 5000 आप भी मानती हैं कि लोकसभा के चुनाव में जो है इनका कोई मतलब नहीं होता है, ये कभी कोई आगे हो जाता है, कभी कोई पीछे, कुछ इलाकों में बूथ खुलते हैं जहां हो सकता है किसी पार्टी का के मतदाता ज्यादा हो या किसी पार्टी का वर्चस्व उधर ज्यादा हो, फिर हमारी तरफ आए, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं अब भी कहता हूं कि जो ये रुझान दिख रहे हैं वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं है, और दीपक जी को बधाई है, यहाँ बैठे हुए दीपक रंजन जी, कि भाई इनकी पार्टी के रुझान जो है अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज लगे हाथ इनसे और पूछ लीजिएगा कि ईवीएम पर भरोसा मजबूत हो गया है, दीपक जी बताएंगे, दीपक जी ईवीएम पर भरोसा है, मजबूत हो गया कि नहीं, दीपक जी ईवीएम पर भरोसा है? देखिए, हम ईवीएम से जीतते हैं लेकिन हम अगला चुनाव जो है हम ईवीएम से नहीं कराना चाहते, हम चाहते हैं एक बार बैलेट पेपर से भी चुनाव हो जाए, देश की जनता जिसको कहीं ना कहीं संदेह है कि ईवीएम से भाई ठीक है, हम अपना हमें हमारा सवाल उठाना हमारा लाजमी है, और जवाब देना इसी का ये काम है कि हमने अगर कोई सवाल उठाया है तो आप इलेक्शन कमीशन को उसका जवाब देना। इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि जब आप कोई आरोप लगाए तो तथ्य भी रखे, संदेहों के आधार पर नहीं होता है, और ईवीएम को लेकर तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी मसला है, सुप्रीम कोर्ट बावजूद आकर साबित कीजिए, लेकिन अभी आप साबित नहीं कर पाते। आज की तारीख में चुनाव जो कंडक्ट हुआ है वो ईवीएम से कंडक्ट हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल के केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की 7 साल की नाकामियों के खिलाफ जो है उत्तर प्रदेश की देवतुल्य महान जनता ने जो है वोट की चोट दी है, और जिस तरीके से हमने मैंने कहा कि ईवीएम के जरिए नहीं दिया, मैंने कहा ना कि चुनाव भी ईवीएम से कंडक्ट हुआ है। लेकिन दीपक जी, बार बार चुनाव आयोग के पास जाना, अखिलेश यादव जाते हैं चुनाव आयोग के पास, प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, और बार बार ये भरोसा जताने के लिए वो कहते जरूर है कि उम्मीद है कि सब चीजें सही तरह से होगी, काउंटिंग सही से होगी, बार बार इसका क्या मतलब है? अच्छा ये बताइए कि क्या पूर्व के जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता रहे आदरणीय लाल किशन आडवाणी जी, राजनाथ जी, इन लोगों ने क्या ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया? उन्होंने हमने पीडीएफ परिवार को लेकर के हम आगे बढ़े, उनकी ये जितनी भी जो है दलित शोषित वंचितों की आवाज बन करके हम आगे बढ़े, और जनता ने उस पर मोहर लगाई। अच्छा, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी थी, आपको लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी फंस गई? इस पर जवाब ले लेते हैं हमारे साथ दीपक जी, आनंद जी जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि ईवीएम की बात कि नहीं हम ईवीएम, देखिए मैं तो दो चीजें कह दो, दीपक रंजन जी जरा गंभीरता सुन लीजिएगा। इन्होंने कहा कि हमारे नेताओं ने सवाल उठाया, निश्चित रूप से जब इस देश में ईवीएम पहली बार लाने की बात हुई तो हमारे भी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया, कई पार्टी के नेताओं ने, जब क्लैरिफिकेशन हुआ उसके बाद 2004-2009 में चुनाव हुआ, यूपीए उससे जीती, 2012 में आप जीते, मायावती जी जीती 2007 में, 2012 में आप जीते, हमने कभी फिर सवाल नहीं उठाया, आप लगातार सवाल उठाते रहे। जून 2017 में चुनाव आयोग ने हैकेथॉन का आयोजन किया और जितनी पार्टियों ने सवाल उठाया था, सौरभ भारद्वाज ने एक सवाल उठाया था दिल्ली की विधानसभा में, सबको बुलाया, कहा आइए और चुनाव और इसको हैक करिए और साबित करिए कि ईवीएम हैक हो रही है, और ईवीएम पे कोई पार्टी नहीं गई, नेशनल ये एनसीपी गई थी और सीपीआईएम, दो पार्टियां ऐसी गई थी जो उसमें असफल रही, इसके बाद कोई पार्टी गई ही नहीं, जो सवाल उठा रहे थे वो भी नहीं गए। ठीक है, तस्वीर तो एक बार फिर बदलती हुई दिख रही है, लौटेंगे आप दोनों के पास, एक बार फिर से आंकड़ों का जिक्र कर लेते हैं जो टैली इस वक्त दिख रही है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में तस्वीर एक बार फिर बदली, INDIA यहां पर 40 सीटों पर आगे, जबकि एनडीए में ये सीट जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है, 38 पर एनडीए आगे उत्तर प्रदेश में। बीजेपी कांग्रेस अदर्स की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, उत्तराखंड में 5 की 5 अभी भी बीजेपी की झोली में जाते हुए दिख रही है, 5 की 5 सीटें। और बड़ी खबर इस वक्त देखिए, महेंद्रनाथ पांडे पीछे चल रहे हैं, 4480 चंदौली से महेंद्रनाथ पीछे चल रहे हैं,
महेंद्रनाथ पांडे पीछे चल रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्री हैं जो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। देवरिया से बीजेपी के शशांक मणि आगे चल रहे हैं, वहीं पर 1,70,000 वोटों से लगभग देवरिया से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। 17,000 वोट से शशांक मणि त्रिपाठी आ गया है, 17,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं, 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं शशांक मणि त्रिपाठी। देवरिया की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं शशांक मणि त्रिपाठी, 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के कई लीडर्स ने बढ़त भी बना रखी है। तस्वीर पल-पल बदलती हुई दिख रही है, 1 बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है और तस्वीर अब भी बदलती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश में एनडीए 38 पर आगे, इंडिया 40 पर आगे, शुरू में 44 पर इंडिया आगे लेकिन अब 40 पर आगे है। 4 जो सीट है वो एनडीए की तरफ जुड़ती हुई दिख रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर की बात करें, बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं, वहीं बात अगर हम सुल्तानपुर की कर ले, मेनका गांधी अब भी पीछे चल रही है, सुल्तानपुर से पीछे चल रही है मेनका गांधी। और उत्तर प्रदेश की अगली सीट वाराणसी, जहां पर अजय राय पीछे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार कैंडिडेट है, वो आगे चल रहे हैं, बड़े वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश की मैं आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और पूरे देश में इंडिया की तस्वीर देखिए, एनडीए 295 में आगे, इंडिया 229 पर आगे, अदर्स 19 पर आगे, ये 543 लोकसभा सीटों की तस्वीर इस वक्त रुझानों में। 240 पर बीजेपी अकेले आगे चल रही है, वहीं जीत हार का फैसला भी कई सीटों पर अब तक हो चुका है और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। रितेश पांडे इस वक्त, ये देखिए स्मृति ईरानी पीछे चल रही है अमेठी में, बीजेपी कैंडिडेट है, केंद्रीय मंत्री हैं, पीछे चल रही हैं। और 2014 में राहुल गांधी से हार गई थी, 2019 में राहुल गांधी को हरा दिया, 2024 में केएल शर्मा उनके खिलाफ हैं और उनसे पीछे चलती हुई दिख रही हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ पीछे चल रहे हैं आजमगढ़, जहां पर धर्मेंद्र यादव ने बढ़त बना रखी है, बड़ी बढ़त बना रखी है आजमगढ़ में। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। अलाउद्दीन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शंकर हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से जुड़े हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि दफ्तरों पर क्या हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में तो थोड़ी देर पहले जश्न भी मनने लगा, वहां पर अखिलेश यादव का पोस्टर भी लग गया, अग्रिम प्रधानमंत्री की उन्हें बधाई भी दे दी गई। और अलाउद्दीन से ही जान लेते, अलाउद्दीन बिल्कुल कुछ ज्यादा उत्साह नहीं है। बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी का दफ्तर बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जो रणजीत कार है वो निकल रहे हैं, जो है उदयवीर सिंह आए उसे जान लेते हैं। उदयवीर जी, अब तक तो रुझान लगभग क्लियर हो गए हैं, आप लोग लगातार मीटिंग्स में थी, बातचीत भी चल रही थी, क्या है आप लोगों का अंदाजा, रुझान क्या नतीजों में तब्दील जो हो रहे हैं? 50 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, अभी काउंटिंग कराने का संघर्ष जारी है। आपसे भी अनुरोध है, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप लोग न्यूज का फोकस इस पे रखिए कि कैसे काउंटिंग हो रही है, क्यों ऐसा है कि एक जगह से एक उम्मीदवार जीता डिक्लेयर हो गया, उसकी पूरी काउंटिंग हो गई और दूसरी जगह 7वां राउंड चल रहा है, कहीं 15वां राउंड चल रहा है। की बात आप कर रहे हैं? मैं शाहजहांपुर की बात कर रहा हूँ और मैं कई जगहों की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे मार्जिन है, वहां काउंटिंग स्लो क्यों हो रही है? चुनाव आयोग को बार बार शिकायत की जा रही है, उस शिकायत के हिसाब से क्यों रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ये मुद्दा है। इस मुद्दे पे ध्यान दीजिए, जो जनता ने मत दिया, आशीर्वाद दिया है, उसकी सही गिनती हो जाए, सही लोग चुन के आ जाए, कि जो जनता के रुझान के हिसाब से चुन के आए, उसके बाद आगे की बातें होती रहें। क्या दिल्ली जाने का भी कोई अभी प्लान है आप लोगों के, बड़े नेताओं का? वो तो बड़े नेताओं का प्लान है, वो जो होगा वो मालूम चलेगा, वो हमको नहीं पता होता है। और जब जो भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इंडिया गठबंधन के लोग अपने हिसाब से मिलेंगे, जो बैठेंगे, जो भी आगे राजनीतिक रास्ता होगा तय करेंगे अपने साथ। बिल्कुल, उदयवीर सिंह जी थे जो कि मुख्य रणनीतिकार है समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद फौरन निकल रहे थे। मुझे लगता है कि छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे माफ कीजिएगा संकेत आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले दीपक रंजन जी एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए, आखिर बार बार संदेह क्यों क्रिएट किया जाता है? अगर वोटों की गिनती हो रही है किसी एक जगह पर, अगर वोटों की गिनती संपन्न हो गई है और दूसरे बेंच पर हो रही है तो उसी हिसाब से आएंगे ना नतीजे, बार बार संदेह क्यों क्रिएट करते हैं आप लोग? अगर राजनीतिक दल को अगर कहीं अनियमितता हो रही है, कहीं अगर संदेह पैदा हो रहा है तो उसका हम संदेह भी ना करें। अभी कहीं पर रिजल्ट, कई ऐसी जगहों पर हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जीत अनाउंस हो गई, कहीं पर इंडिया गठबंधन को जीत अनाउंस हो गई और कहीं पर सिर्फ 6 राउंड 7 राउंड 8 राउंड की अब तक गिनती हो पाई है। तो आखिर जहां पर मार्जिन कम है वहां पर इतना स्लो क्यों हो रही है काउंटिंग? भाई आप खुद सोचिए ना, जहां पे हमें संदेह पैदा हो रहा है तो क्या हम उसका अपना विरोध भी वो ना दर्शाए? नहीं, अपना विरोध भी करने का हमें हक नहीं है राजनीतिक दलों को? विरोध करना, संदेह क्रिएट करना अलग अलग बातें हैं। नहीं तो संदेह, बिल्कुल संदेह हो रहा है हमको, तभी तो हम उसका विरोध कर रहे हैं।
जिस चीज का हमें संदेह हो रहा है, जब वोटिंग इतनी धीमी कर दी जा रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी संदेह व्यक्त किया है। संकेत मिश्रा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, उनके पास चलते हैं, बीजेपी ऑफिस में मौजूद है। संकेत, बीजेपी ऑफिस में क्या हलचल है इस वक्त, क्योंकि कई जगहों पर जश्न मनाना लोगों ने शुरू कर दिया है, लेकिन एक तरफा जीत क्योंकि होती दिख नहीं रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर क्या हलचल? बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के